गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट इंडिया बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आप सभी का अनअकैडमी पे स्वागत है। मेरे साथ महेश कुमार जैन। आज MBSI का टेक्निकल का टेस्ट नंबर 3 है। दो टेस्ट अपन ले चुके हैं, एक में अपन ने 85 क्वेश्चन किए थे, एक में अपन ने कल 60 क्वेश्चन किए थे। आज ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करने का। ओके, चलिए आप सब कनेक्ट हो जाओ पहले। जब तक आप कनेक्ट हो एक बार, चलिए। My name is Mahesh Kumar Jain, 4 times gate qualified, RPSC AE written qualified, SSC JE written qualified, 7 years plus teaching experience. These are the subjects which are taken in the classes. ये सारे subject मैं class में लेने वाला हूँ आपके साथ। चलिए, अगर आप में से कोई भी मुझसे telegram पे जुड़ना चाहता है तो ये मेरा telegram का link है, Mahesh Jain Unacademy। आप यहाँ मुझे telegram पे follow कर सकते हैं। PDF आपको हर एक test का PDF, हर एक चीज का PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप SSC JEE और स्टेट AE एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। यहाँ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस लगेगी, स्ट्रक्चर वे में कोर्स और PDF होगा, लाइव मॉक टेस्ट और क्विजेज होंगे। 24 मंथ की बात करें तो 24 मंथ मतलब 2 साल के लिए जो प्लान है वो है 10,800। अगर आप EMI में करवाना चाहते हैं वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप EMI में भी करा सकते हैं, नो कॉस्ट EMI हो जाएगा आपका। अगर 1 ईयर का प्लान है वो 1 ईयर का प्लान है 9,000 रुपीज, 6 मंथ का जो प्लान है वो प्लान है 7,200 और 3 मंथ का जो प्लान है 4,500। ये सारे प्लान है आप यूज कर सकते हैं RRB और SSC JEE के लिए। अभी नए नए कितने ही बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप अगर रेफरल में कोड लगाओगे MKJ10, अगर सर ये रेफरल में हम कोड लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट और आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। पर अगर आप प्लस का कोर्स लेते हैं तो प्लस के कोर्स के क्या फीचर्स हैं सर? सर प्लस के कोर्स के जो फीचर्स हैं वो फीचर्स है, आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर वे में कोर्स मिलने वाला है, बाई वीकली रिव्यू किया जाता है आपके स्टडी प्लान का। यहाँ पे स्टडी मटेरियल में आप स्पेशलाइज नोट्स और प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं, एक्सपर्ट की गाइडलाइन में आप स्टडी बूस्टर वर्कशॉप अरेंज करवा सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस में टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स आपको एज अ मेंटर असिस्ट किए जाते हैं, जो आपको बताते हैं कि एग्जाम में कहाँ गलती होती है और कहाँ आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो। और सबसे अच्छा जो टेस्ट का एनालिसिस करके आपके वीक सेक्शन में बात की जाती है। कल की स्पेशल क्लास, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए जितेंद्र जी। आपके कुछ क्वेश्चन थे आज, मैं पेपर बना रहा था इसलिए जवाब नहीं दे पाया, आज आपके क्वेश्चन का जवाब मैं कर दूंगा ना। कल स्पेशल क्लास का जो टाइमिंग है वो आफ्टरनून में रखूंगा मैं 1:30। आफ्टरनून में 1:30 से अपन 1:30 से अपन 4:30 क्लास रखेंगे कल। 3 आपकी बैक टू बेस क्लास है। सर क्या क्या होगा? एक क्लास में बेसिक होगा, सॉरी एक क्लास में आपके पास GK है, जो जनरल साइंस के टॉपिक है, जनरल साइंस के टॉपिक होगा। और एक क्लास में आपके पास, कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इग्निशन सिस्टम, एक क्लास में आपके पास इग्निशन सिस्टम होगा, ठीक है। और जल्दी ही आपकी इस क्लास को बढ़ा दिया जाएगा, इग्निशन सिस्टम की क्लास को। इग्निशन सिस्टम और आपके पास कल जो होने वाला है वो इग्निशन कॉइल और फर्स्ट ऑफ ऑल वेट और आपके पास लुब्रिकेशन में कूलिंग होने वाला है, आपके पास कल कूलिंग भी होगा। तो ये दो क्लास, 3 क्लास कल मेरे अरेंज की है स्पेशल पे, ये टाइमिंग रहेगा कल के लिए है ये क्लास। आपका क्लास आपका शो हो चुका है, एक बार आप वेब पे जाके देखो, 5 तारीख से आपका क्लास शो हो चुका है, ठीक है। प्लस का क्लास टॉम का 5 तारीख से शो हो चुका है, आप देखो एक बार वेब पे। चलिए, तो ये स्पेशल क्लास का टाइमिंग है कल का। कल स्पेशल क्लास का टाइमिंग मैंने ये रखा है, फिर चेंज हो जाएगा ये 5 तारीख से। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सभी लोग आ चुके हो तो एक बार कमेंट कर दो, स्टार्ट कर दे टेस्ट को। सबसे पहले तो इस टेस्ट को शेयर करो और उसके बाद अगर स्टार्ट करते हैं। आज ऑटोमोबाइल के, मैं ज्यादातर क्वेश्चंस ऑटोमोबाइल के लेके आया हूँ, तो ज्यादातर क्वेश्चन आज ऑटोमोबाइल के हैं, तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऑटोमोबाइल के देखने को मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, चलिए शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया।
शेयर और लाइक कर दो सबसे पहले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट करो। द टाइप ऑफ स्टीयरिंग की है, देखो आज के जो क्वेश्चन है ना वो आज के क्वेश्चन जितने भी जेई में क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह लेके आपको दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन एक जगह के, ठीक है, मतलब सारे जेई के क्वेश्चन है जो डिफरेंट डिफरेंट जेई में आए, तो आप इनको कर सकते हो। चलिए सर, जिन्होंने रेक एंड पिनियन टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मारुति 800 कार में जो आपका स्टीयरिंग गियर जो टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर है वो रेक और पिनियन लगा हुआ होता है। चलिए अगला, ये मैं करवा चुका हूं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया आपको। चलिए आंसर करना स्टार्ट करो, अगले क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट करो भैया। द टर्म प्लाइड रेटिंग, मैंने आपसे ये अपने पिछली बार भी दिया था कि प्लाइड रेटिंग किससे रिफर करता है, तो सर हमने प्लाइड रेटिंग को स्ट्रेंथ, इंडेक्स ऑफ स्ट्रेंथ, इंडेक्स ऑफ स्ट्रेंथ जो डी ऑप्शन लगा रहे हैं दैट इज द करेक्ट, जो डी ऑप्शन लगा रहे हैं वो सारे के सारे करेक्ट है। एक बार मैं भी कमेंट देख लेता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ब्रेक लाइनिंग, जो ब्रेक लाइनिंग होती है वो मेनली कौन से मटेरियल की बनी होती है, जल्दी से बताइए, 15 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक लाइनिंग बोलो कौन सी मटेरियल की बनी होती है। एमवीएसआई के लिए बहुत ही, मतलब ये मान लेना कि अपन बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं एमवीएसआई की। यस सर, सर ब्रेक लाइनिंग जो बनी होती है सर वो ए ऑप्शन चल जाएगा, ठीक है। चलिए जिन्होंने ए वो ए लगाया करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मोक मीटर द सैंपल ऑफ इमिशन गैस इज पास थ्रू ए ट्यूब विच हैज लाइट सोर्स एट वन एंड एंड फोटो सेल एट द अदर एंड। एक एंड पे लाइट सोर्स होता है और एक पे फोटो सोर्स होता है, ऐसा कौन सा स्मोक मीटर है। हाँ एस्बेस्टस, हाँ एक ही बात है, एस्बेस्टर या एस्पेक्ट्स दोनों बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, जल्दी से पढ़ो और आंसर करो। ज्यादा से ज्यादा आंसर करो। यस यस, बहुत बढ़िया। देखो यहां आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। जिन्होंने बी लगाया वो करेक्ट है, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन सी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। वेरी गुड अर्निंग सुदीप, आज बात करेंगे ना सुदीप, आज बात करेंगे, करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए और आराम से क्वेश्चन नंबर थर्ड को करिए। When both the rear wheel of a rear wheel drive vehicle are jacked up and gear are in a neutral position, turning one rear wheel forward, अगर रियर व्हील एक फॉरवर्ड में जाएगा तो दूसरा रियर व्हील किधर की साइड जाएगा। करते हैं डिजाइन, डोंट वरी, डिजाइन करते हैं, आंसर आने तो। सर अगर एक फॉरवर्ड में जा रहा है तो सर दूसरा बैकवर्ड में जाएगा सर, यही होती है ना, यही स्ट्रिंग अपना पढ़ते भी है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन विच ऑफ फॉलोइंग व्हीकल ट्रांसफर केस इज मस्ट, इनमें से कौन से
व्हीकल में जो ट्रांसफर केस है वो मस्ट है। चलिए चलिए चलिए, आंसर 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 करना स्टार्ट करो। फोर बाई फोर, फोर बाई फोर, फोर बाई फोर जो व्हीकल है उसमें ट्रांसफर केस मस्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टीयरिंग एक्सिस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द व्हील, व्हील के वर्टिकल एक्सिस से, व्हील के वर्टिकल एक्सिस से जो आपका स्ट्रिंग का एक्सिस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से करिए। मनीष तुक्के तो नहीं लगा रहे भाई? ऑटोमोबाइल पढ़ लिया मनीष? वेरी गुड। कैम्बर एंगल सर, कैम्बर एंगल सर, कैम्बर एंगल। देखिए कैम्बर एंगल देख लीजिए, कैम्बर एंगल यही है ना आपका, पॉजिटिव कैम्बर, न्यूट्रल कैम्बर और नेगेटिव कैम्बर, है ना। फ्रंट व्हील से अगर बात करें तो आपका ये जो ये एंगल होगा यही एंगल आपका कैम्बर एंगल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ए बस कैन नॉट मूव बिकॉज ऑफ टू गियर इंगेज साइमल्टेनियसली। अगर अगर बस बस मूव नहीं कर पाएगी अगर दो गियर साइमल्टेनियसली इंगेज कर दिए ट्रांसफर गियर बॉक्स, तो बताइए क्या फॉल्ट होगा? फिफ्थ सेम में, वेरी गुड वेरी गुड। फिफ्थ सेम में पढ़ा था, बहुत बढ़िया। फिर इसका आंसर और करो, देखें इसका आंसर आज। मोहित सिलेक्शन हो गया का? मोहित मोहित एसएससी जेई में सिलेक्शन हो गया का? चलिए सर बिल्कुल। बी गियर इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म की, अगर गियर इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म है तो आपके ये चीज आपकी बस मूव नहीं कर पाएगी अगर दो गियर साइमल्टेनियसली आपने इंगेज कर दिए तो। चलिए अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सिक्वेंस, करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है? करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है? करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है? 20 का नहीं आया, 19 का आया था ना रिजल्ट। ओके 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 मोहित, ओके हो जाएगा, डोंट वरी। मोहित का ही नहीं होगा तो किसका होगा? करिए आंसर करिए। ओके ओके बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए इसमें ए आंसर दे रखा है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप एक बार डिस्कशन कर लेना ना। ए ऑप्शन दे रखा था इसमें तो आप ए ऑप्शन जाएंगे, क्रेन क्रेन गियर, कैम गियर, टेपेट, पुसरोड और रोकर आप, ठीक है ए आंसर। ओके अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना उसमें ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक डिफरेंशियल गियर जो होता है ना ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल में जो डिफरेंशियल गियर होता है वो किस टाइप का गियर ट्रेन है? वो किस टाइप की गियर ट्रेन है? गियर ट्रेन बेसिकली क्या होती, क्या करती है कि स्पीड का रिडक्शन करती है इन वेरियस टर्म। नहीं एसएससी जेई में ऑटोमोबाइल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एसएससी जेई में नहीं आएंगे, ये एमबीएसआई के लिए मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसके लिए ही है ना। यस डिफरेंशियल गियर, डिफरेंशियल गियर जो ऑटोमोबाइल में लगाते हैं वो किस टाइप की गियर ट्रेन है? तो इसका आंसर जिन्होंने सब लगाई है, सब लगाइए, मैं टाइम दे रहा हूं 15 सेकेंड, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास।
इपीसाइकिल गियर ट्रेन सर, जो डिफरेंशियल गियर ट्रेन होती है वो इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन होती है, आपने ऑटोमोबाइल में पढ़ा भी होगा। चलिए चलिए, ये है आपके पास क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॉन ब्रॉग डायनोमीटर, प्रॉनी ब्रॉग डायनोमीटर, इससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। थोड़ा सा मैं इसको आज बताऊंगा आपको, पर कल इस पे भी क्लास लगेगी आपकी, कल इस पे स्पेशल क्लास में मैं लूंगा एक स्पेशल क्लास, कल मैं इसी पे रख रहा हूं। प्रॉनी ब्रेक, ब्रेक ही है ना, ब्रॉक नहीं है, ब्रेक ही है, प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर पे मैं एक क्लास रख रहा हूं। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं मोहित, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 11, कल मैं इस पे क्लास भी लेने वाला हूं स्पेशल, स्पेशल क्लास में कल मैं इसको समझाऊंगा कि प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर होता क्या है। अभी भी थोड़ा सा आपको दूंगा, हल्का सा आपको दूंगा, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट। देखिए इसमें क्या होता है, वेट, एक वेट लगा देते हैं एक आर्म पे, देखो कैसे, देखो समझो, ये है आपके पास प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर, दिस इज द प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर। बेसिकली जो आपका एचपी है ना, बीपी, ब्रेक पावर, उस ब्रेक पावर, जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैं हल्का सा समझा रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, बस आपको थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूँ। ये आपके पास होता है आपकी इंजन शाफ्ट, ये इंजन शाफ्ट होते हैं और इस इंजन शाफ्ट को दो ब्लॉक के बीच में रखा जाता है। ऐसे आपके पास दो वुडन के ब्लॉक होंगे, दो ऐसे वुडन के ब्लॉक होंगे और दो वुडन के ब्लॉक के बीच में आप इस तरह से इंजन शाफ्ट को रख दोगे और इस इंजन शाफ्ट को पैक करने के लिए दो स्प्रिंग लगा दोगे आप, यहां दो स्प्रिंग लगी होगी, ओके, और यहां एक वेट लगा दोगे यहां पे। अब इस वेट को जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे, ये ऊपर वाला इस पे क्या लगाएगा भैया, इस ब्रेक शाफ्ट पे ऊपर वाला नीचे आएगा, इस ब्रेक शाफ्ट को रोकेगा और इस तरह से अपन ब्रेक पावर मेजर करते हैं इसमें, है ना, ब्रेक पावर मेजर करते हैं। तो यहां आपने जो लगाया ना, ये वेट लगा दिया इसकी एक आर्म पे, तो इस टाइप से होता है। तो इसका आंसर हाँ दोनों ही सही है, इसका दोनों ही सही है, ए और बी, पोजीशन ऑफ द वेट हैंग ऑन द आर्म, बिल्कुल दोनों ही सही है ना, दोनों ए और बी दोनों ही सही है इसके, ओके। चल तो ये थोड़ा सा मैंने आपको डायनोमीटर का बताने की कोशिश की है कि प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर किस तरह से ब्रेक की हेल्प से अपन यूज करेंगे, किस तरह से अपन मेजर करेंगे ब्रेक पावर को, कल मैं इस पे क्लास लेने वाला। चल टेकोमीटर, टेकोमीटर व्हील में किस काम में आता है भैया, टेकोमीटर, टेकोमीटर, क्वेश्चन नंबर 12, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज, है ना, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। यस, टेकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, टेकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इंजन के आरपीएम को, इंजन के आरपीएम को मेजर करता है ना, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ओडोमीटर यूज करते हैं ना। डिस्टेंस मेजर अगर आपको करनी है कि कितना डिस्टेंस चला, तो वो ओडोमीटर आपने देखा भी होगा, ओडोमीटर, ये स्पीडोमीटर, ठीक है, तो इस टाइप से। चलिए ये देखिए आप ये देखो, आरपीएम इस टाइप का एक डिवाइस होता है, ये डिवाइस है ना, डिजिटल भी होता है ना, डिजिटल डिवाइस होता है, डिजिटल, ये जो डिवाइस देख रहे हो ना, ये डिवाइस आपके पास होता है, डिजिटल डिवाइस होता है, यहाँ आपके आरपीएम आ जाते हैं इसमें, इसमें यहाँ इस बॉक्स में आरपीएम आ जाएंगे आपके पास, कितना आरपीएम आप इस पे लगा देते हो, इसके अंदर लगा देते हो ये, और आपके आरपीएम मेजर कर लेता है ना। यस, तो यहाँ ये आपके आरपीएम मेजर करने के लिए आपने देखा होगा, है ना, वो पुलिस वाला नहीं कि आपकी गाड़ी को जो रोकता है, वो वाला नहीं, आपके मुंह में वो रात को जो चेक करता है, वो वाला नहीं है, वैसे ही वैसा ही कुछ है ना। चल चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन ए प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर, जो प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर अपन यूज करते हैं वो बेसिकली जो ब्रेक पावर को मेजर करेगा उस इंजन, जिस भी इंजन की ब्रेक पावर को मेजर करेगा उस इंजन की स्पीड कैसी होती है, स्पीड और पावर। हाँ, बीटेक में आपने यूज किया होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्टार्ट करो आंसर करना। यस सर, जो आप ये प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर यूज करते हो ना, ये डायनोमीटर बेसिकली लो स्पीड इंजन के लिए यूज किए जाते हैं, लो स्पीड इंजन के लिए यूज किए जाते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करते रहो, बढ़ाते रहो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन इन द फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। चलिए बताइए, चलिए बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से आंसर करो, क्या करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से अपन ने पढ़ा हुआ भी है ना, इसमें मैंने आपको, जब आपको मैंने क्लच पढ़ाया था तो क्लच में मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बताया था, ऑटोमोबाइल में तो आपने डिटेल में पढ़ा है इसको, ऑटोमोबाइल में तो आपने डिटेल में पढ़ा है इसको। एक बार इसको देखो आप, एक बार इसको देखो आप कि अगर अपन बात करें तो इंजन, इंजन के बाद जुड़ा होगा क्लच, थोड़ा सा मैं इसे लार्ज कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसे लार्ज कर रहा हूं। इधर देखो, इंजन इंजन से जुड़ा होता है क्लच, क्लच के बाद जाता है गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के बाद जाता है प्रोपेलर शाफ्ट, और प्रोपेलर शाफ्ट के बाद में आपका ड्राइवर शाफ्ट और डिफरेंशियल। ये आपको यहां दिखाई दे रहा है ना, ये आपको यहां दिखाई दे रहा है, ओके। डिफरेंशियल पे जाएगा और फिर ड्राइवर पे आपका फाइनल जो एक्सल होगा उस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। यही अपने पास है ना, यही अपने पास, ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं अपन इधर, तो अपना ये वाला डायग्राम भी अपन देख सकते हैं, ये दूसरा वाला। अगर यहाँ पे अपन बात करें तो इंजन, इंजन के बाद क्लच, क्लच के बाद आपका ये इससे गियर बॉक्स जुड़ा होगा, फिर फाइनल डिफरेंशियल जुड़ा होगा आपके पास, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या जाता है, प्रीवियस का ए आंसर है ना, ए क्लच गियर बॉक्स डिफरेंशियल और ड्राइव एक्सल, ठीक है। चल एक बार देख लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो ना। चलिए चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन ए व्हीकल इज, व्हेन ए व्हीकल इज, ओके, एक टन जब लेगा तो इनसाइड द डिफरेंशियल विथ टू प्लेनेट गियर। बताइए यार, आपने पढ़ा हो तो, बताइए। एक बार उस क्वेश्चन में देख लेना, उसमें ए और बी दोनों में ऑप्शन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वहां जो मैंने दो तीन बुक में देखा ए ऑप्शन दे रखा था ना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार अपन देख लेंगे इसके ना, इसके ऑर्डर को अपन एक बार देख लेंगे कि यार प्रोपेलर शाफ्ट भी आ रहा था, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशियल भी आ रहा था, तो एक बार इस 14 को अपन देख लेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 14 को मैं स्टार बना लेता हूं, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, रियर ड्राइव के लिए वो, हाँ रियर ड्राइव के लिए वो बी हो जाएगा और अगर फ्रंट ड्राइव होगा तो वो ए हो जाएगा। यस ये है, ये आंसर है। यस यस गौरव, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करेंगे। फ्रंट व्हील है का? एक बार रुक जाओ, फ्रंट व्हील है का? हाँ फ्रंट व्हील है, फ्रंट 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 है ना, फ्रंट व्हील ड्राइव है तो ए आंसर चला जाएगा। फ्रंट व्हील ड्राइव तो ए आंसर चला जाएगा, हाँ अगर वो सही है। चलिए फ्रंट व्हील है तो ए चला जाएगा। यस यस यस, 14 में फ्रंट व्हील है, ए चला जाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बताइए कमेंट देख लेता हूं मैं आप सबके। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, 15 15 दे दिया का आंसर सबने? एक मिनट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं देख लेता हूं आंसर सबने क्या दे रहे हैं। 1 मिनट, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं। चलिए ठीक है, हाँ आंसर करना स्टार्ट। डी, यस बोथ द प्लेनेट्स गियर मून द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। यस यस दिख गया मुझे ना, यस यस आंसर आ गया। एडमिट कार्ड कब आएंगे भाई, इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? जब आएंगे पता लग जाएगा। ये तो मैंने पढ़ाया क्लास में, ये तो मैंने क्लास में पढ़ाई इस चेन को, तो इस चेन को तो मैंने क्लास में पढ़ाया आपका। मेन एडवांटेज क्या है इस चेन का? 7-2 को। चलो इन्वर्टेड टूथ चेन सबसे मेन एडवांटेज, इसी चेन का नाम अपन ने क्लास में पढ़ा था, ये तो मैंने भी पढ़ाया आपको। भैया देख हिंदी इंग्लिश में मेरे पास क्वेश्चन ज्यादातर इंग्लिश में है, आपको हिंदी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं आपको हिंदी के क्वेश्चंस भी भेज दूंगा। ठीक है, इसी को अपन ने साइलेंट चेन बोला था, इसको अपन ने इसको साइलेंट चेन बोला था ना, साइलेंट चेन। साइलेंट चेन में इसमें नॉइस लेस रनिंग होगी। ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लच इज जनरली यूज इन मोटरसाइकिल? इस पे मैंने बात करी थी आपसे, इस पे भी मैंने बात की थी कि मोटरसाइकिल में किस टाइप का क्लच यूज करते हो। यस यस यस, चलिए करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी करो यार थोड़ा फास्ट, अभी अपने पास अपन को लगभग 80 से 90 क्वेश्चन बनाने हैं। 80 से 90 क्वेश्चन अपन को बनाने हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मोटरसाइकिल में मैंने मल्टी प्लस क्लच बताया था, मल्टी मल्टी डिस्क क्लच बताया था आपको, क्योंकि छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता था, कॉम्पैक्ट होता था। नंबर ऑफ प्लेट्स अगर अपन लगा देंगे तो छोटा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट मल्टी डिस्क बन जाएगा, और मल्टी डिस्क क्लच में लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ड्यू टू द नंबर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस ज्यादा है तो हीट जनरेशन ज्यादा होगा, इसलिए डी आंसर, इसलिए डी आंसर लगाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं क्लास में। जब भी आप क्लच पेडल को क्या करते हो, डिप्रेस करते हो, डिप्रेस, प्रेस नहीं कर रहे हो, डिप्रेस कर रहे हो, तो बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा। जब भी हम क्लच पेडल से पैर को हटाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है?
डीप प्रेस का मतलब मेरे ख्याल से यहाँ प्रेस करना बताया ना। अगर हटाने की बात करेंगे तो भैया क्लच प्लेट फ्लाई व्हील की ओर जाएगी। यस बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर। जब हम क्लच क्लच प्लेट क्लच पेडल अपन क्या करते हैं, जब वहां से अपन डिप्रेस करेंगे हटाएंगे तो आपका क्लच प्लेट फ्लाई व्हील की साइड जाएगा और चिपक जाएगा। बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इंक्लूड एंगल किसके बराबर होता है भैया, इंक्लूड एंगल। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इंक्लूड एंगल जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ, टाइम कम है, 15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं दे सकते आप। ये सारे आ रहे होंगे तो सही है, नहीं आ रहे होंगे तो गलत है। बी आंसर, अगले अगला बढ़ो बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, स्टीयरिंग मैकेनिज्म ऑफ द कार शुड बी, यस सेमी रिवर्सिबल, सेमी रिवर्सिबल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, हाँ कौन ही आवा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो Which one of the following pair is not correctly matched? तो भैया मैंने आपको बताया था कि क्लच में डायफाग्राम स्प्रिंग लगती है, दो टाइप की स्प्रिंग बताई थी, कॉइल और डायफाग्राम। सही है सर ये तो, ये भी सही है। स्ट्रिंग गियर बॉक्स, अभी अभी अपन ने रेक और पिनियन भी पढ़ा था, ये भी सही है ठीक है। और डिफरेंशियल में हाइपोइड गियर, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। ट्रांसमिशन गियर में हेलिकल गियर होते हैं, ट्रांसमिशन गियर में हेलिकल गियर होता है, हेलिकल, हेलिकल गियर होता है ट्रांसमिशन में। तो सी आंसर चला जाएगा इसका, इसका सी आंसर चल जाएगा, जो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स होता है उसमें हेलिकल गियर यूज किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ अनलोडर वॉल यूज इन एयर ब्रेक। ओके ओके चलिए करो करो भैया करो, आंसर करते जाओ। आंसर करते जाओ। हाँ मारुति 800 में रेक और पिनियन ही बताया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अनलोडर वॉल, अनलोडर वॉल यूज इन एयर ब्रेक। एयर ब्रेक में जो अनलोडर वॉल यूज आता है ना, उसका कौन सा पार्ट नहीं है। यस ए आंसर, जिन्होंने ए लगाया करेक्ट है, ब्रेक वॉल, ब्रेक वॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का मेन फंक्शन, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का मेन फंक्शन। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का मेन फंक्शन ब्रेकिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस करना, ये तो फंक्शन हो नहीं सकता। यस आपके व्हील को स्किडिंग होने से बचाना है, इसलिए एंटी ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये मैंने करवा दिया आपका 25 अपने प्रीवियस टेस्ट में भी किया था, 25 अपने प्रीवियस टेस्ट में भी किया था। यस क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी जल्दी करो भैया 25। बी आंसर, बी आंसर। एयर बताया था ना वहां पे, वहां पे एयर बताया था ना कि ब्लीडिंग प्रोसेस में अपन एयर को रिमूव कर देते हैं ना, एयर आ जाती है। बी आंसर। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, स्किडिंग का मतलब फिसलना, स्किडिंग का मतलब फिसलना। यस सर, रेक एंड पिनियर, रेक एंड पिनियन टाइप ऑफ स्ट्रिंग गियर बॉक्स इज मोस्ट पॉपुलर गियर बॉक्स। अगला क्वेश्चन, हुक जॉइंट कहां यूज किया जाता है? डायग्राम देख लो ना हुक जॉइंट का, पता लग जाएगा हुक जॉइंट कहां यूज किया जाता है। 27, बताइए। अरे सभी कर दोगे ना यार हुक जॉइंट, हुक जॉइंट कहां यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। पुराना वाला क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है, आज 7-8 साल पहले। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिटवीन द गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट। नेक्स्ट वन, अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। ऑटोमोबाइल की जो जितनी भी बॉडी है उनकी जो शेप होती है ना, वो शेप स्ट्रीम लाइनिंग शेप बनाई जाती है। आप देखोगे जितना भी ऑटोमोबाइल होगा उसकी जो शेप होगी वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन बॉडी की तरह होगी। आप देखना आजकल की ऑटोमोबाइल का जो शेप आ रहा है, जो ऑटोमोबाइल की शेप आ रही है वो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। अगर स्ट्रीम लाइन बॉडी होगी तो जो एयर सामने से आएगी वो एयर उस पर कम से कम रेजिस्टेंस लगाएगी, एयर उस पर कम से कम रेजिस्टेंस लगाएगी। दैट्स व्हाई रीजन मिनिमम एयर रेजिस्टेंस हो, इसलिए ऑटोमोबाइल की जितनी भी, आप एक बात समझना, 1945 की एक कार को देखना, 1945 की एक कार को देखना और 2020 की कार को देखना, इन दोनों की कार को देखने के बाद इनके शेप पे गौर करना, इनके शेप पे गौर करना, शेप बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स ने अपना डेवलप किया, जैसे जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, तो आपके पास आया स्ट्रीम लाइन बॉडी। अब जितनी भी जितना भी आपके व्हीकल्स हो गया, प्लेन हो गई, स्ट्रीम लाइन बॉडीज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिससे एयर का रेजिस्टेंस कम से कम मिले। तो भैया इसका आंसर होगा ए। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी क्वेश्चन नंबर 29। द ब्रेक कॉमनली यूज इन द मोटर कार, मोटर कार में जो ब्रेक कॉमनली यूज किए जाते हैं ना, वो कौन से होते हैं? कौन से ब्रेक जनरली यूज किए जाते हैं मोटर कार में? करो करो करो, आंसर करो भैया, आंसर करो। वेरी गुड वेरी गुड, आने दो आने दो, आंसर आने दो यार। वाह सर, डी, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। जो रेडिएटर होता है ना ऑटोमोबाइल में, जो रेडिएटर गाड़ी के सबसे फ्रंट में जो रेडिएटर लगा होता है, वो एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। और हीट एक्सचेंजर भी दो 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 टाइप के आपने हीट एक्सचेंजर जनरली पढ़े होंगे, ठीक है, उन दो टाइप में भी फिर आपने क्लासिफिकेशन किया होगा। ठीक है, यहां कौन सा वाला इन चारों में से, ये पूछा इसने। बेस तैयारी मेरे हिसाब से लगभग 25 से 30 स्टूडेंट काफी अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। 30 से लगा 25 से 30 को तो मैं पर्सनली जो मैं जानता हूं ना, ठीक है,
25 से 30 का तो मैं ये ले सकता हूँ कि भाई 25 से 30 तो बहुत अच्छे लेवल पे उनकी तैयारी। यस, क्रॉस फ्लो टाइप। क्रॉस फ्लो टाइप में क्या होता है, क्रॉस फ्लो टाइप में क्या होगा कि एयर जाएगी अगर ऐसे तो वाटर जाएगा ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर। वाटर और एयर का जो जो फ्लो की डायरेक्शन होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी। क्रॉस फ्लो टाइप, डी आंसर। डी आंसर, ये आपका कुछ क्रॉस फ्लो टाइप का होता है कि एयर इधर आ रही है तो वाटर इधर जाएगा, तो एक तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई अगर ऐसे अपन देखना चाहें। ठीक है, तो ये आपका जो रेडिएटर होता है ना उसमें कुछ इस टाइप से होता है, क्रॉस फ्लो टाइप। चलिए, हाँ देख लेंगे यूनिवर्सल जॉइंट। हाँ देख लेंगे, यूनिवर्सल जॉइंट भी एक टाइप का आपके पास एक टाइप का होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं तो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस के हो सकता है आंसर ऊपर नीचे हो जाए तो अपन उनको फाइनली फिर बाद में करेक्ट कर लेंगे। अभी अपना टारगेट ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएं। कुछ क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो अपन बाद में उनके आंसर तो देखेंगे, थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे, फिर आंसर करेक्ट कर देंगे, क्योंकि जैसा बुक में उस टाइप से मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं। चलिए, यस, अगर सिक्स व्हील ड्राइव है, अगर सिक्स व्हील ड्राइव है तो ओनली थ्री लाइव एक्सल चाहिए। थ्री लाइव एक्सेल, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है इसमें, एक बार देख लेना। इसमें भी अगर डाउट हो आपको तो एक बार आप देख सकते हो उस क्वेश्चन को भी, है ना, क्योंकि आंसर अलग अलग आ रहे हैं इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, टोर्शन बार जो यूज की जाती है ना व्हीकल एक्सेल में, वो किसकी बनी होती है, वो किसकी बनी होती है। हाँ, जिन क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे ना तो टेलीग्राम ग्रुप पे अपन कॉमन बात कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को वेरीफाई करके उनका करेक्ट आंसर अपन कर लेंगे ना। ऐसा नहीं है कि सारे के जो जो बुक में है ना, जितने भी बुक मैंने देखी तो उनमें आंसर जो है उस हिसाब से अपन लगा रहे हैं। चलिए, टोर्शन बार किस मटेरियल की बनी होती है। हाँ, सिक्स व्हील थ्री ड्राइव, तो यहां हो गया आपके पास स्टील बार, स्टील स्टील। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। द शॉक एब्जॉर्बर यूज इन द बाइक, बाइक में जो शॉक एब्जॉर्बर होती है ना वो किस टाइप की स्प्रिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 33। ओके, एक बार फिर मैं वेरीफाई कर लूंगा आंसर को ना, एक बार मैं वेरीफाई कर लूंगा कि बुक में आंसर गलत है तो मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा। शॉक एब्जॉर्बर, बाइक में जितने भी शॉक एब्जॉर्बर आते हैं वो किस टाइप की स्प्रिंग है। थर्टी थ्री, आप देखना शॉक एब्जॉर्बर में, आप देखना गैप ज्यादा दिखेगा आपको। आप शॉक एब्जॉर्बर में देखोगे ना तो आपको स्प्रिंग के बीच में गैप ज्यादा दिखेगा। आप देखना वहां स्प्रिंग के बीच में गैप आपको ज्यादा दिखेगा, गैप आपको ज्यादा दिखेगा स्प्रिंग के बीच में। तो गैप अगर ज्यादा होगा तो उनको अपने ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग बोला था, तो इसका आंसर जाएगा बी। इसका आंसर जाने वाला है बी आपके पास, है ना, ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 34। ओडोमीटर, ओडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, ओडोमीटर स्पीड को मेजर करता है और किस टाइप का होता है। ठीक है, ओडोमीटर किस टाइप का होता है। हाइड्रोलिक, क्या क्या हाइड्रोलिक, क्या चीज है हाइड्रोलिक युग।
अभी ट्रैक्टर में आ जाएगा, अभी कौन सा होता है देखना अभी। ओडोमीटर एक डिजिटल, डिजिटल का मतलब क्या है कि वहां डिस्टेंस डिस्टेंस आ जाती है ना ओडोमीटर में, और सॉरी स्पीड नहीं, सॉरी 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 स्पीड नहीं, डिस्टेंस डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की अपन ने, कितना डिस्टेंस अपन ने ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस अपन ने ट्रेवल किया उसको मेजर करता है ओडोमीटर। तो यार वो तो डिजिटल होता है, वो तो डिजिटल होता है ना, अपन तो जनरली देखते हैं डिजिटल होता है, उसमें नंबर आ जाता है अपने पास है ना, तो डिजिटल डिजिटल भी हो सकता है इसमें ना, डिजिटल भी हो सकता है इसमें, ओके हाई, हाँ हाइब्रिड डिजिटल भी हो सकता है, तो डिजिटल आंसर है, तो आप तो डिजिटल पे जाना अभी, बुक के हिसाब से अपन जाए तो डिजिटल पे। क्वेश्चन नंबर 35, जो हैंड ब्रेक होता है ना अपने पास ऑटोमोबाइल में, जो हैंड ब्रेक होता है, इसे ही पार्किंग ब्रेक बोलते हैं ना, इसे ही पार्किंग ब्रेक बोलते हैं ना, हैंड ब्रेक को ही पार्किंग ब्रेक भी बोला जाता है। ठीक है, हैंड ब्रेक को कौन सा बोला जाता है आपके पास, पार्किंग ब्रेक, बोलो क्या होगा इसका। ट्रैक्टर में कोई स्प्रिंग होती है क्या, होती ही नहीं है ट्रैक्टर में स्प्रिंग तो। यस चलिए, पार्किंग ब्रेक भी अपन हैंड ब्रेक को बोलते हैं, तो इसमें किस टाइप का होता है आपने पढ़ा हो, बोलो क्या क्या आंसर आना चाहिए। यस इमरजेंसी ब्रेक भी बोल सकते हैं, यस इमरजेंसी ब्रेक भी इसे बोल सकते हैं, बिल्कुल इमरजेंसी ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक। 35 में डी हो जाएगा, 35 में डी हो जाएगा, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप ब्रेक ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर, 36, मोटर कार में किस टाइप के थ्रेड यूज किए जाते हैं, मोटर कार में किस टाइप के थ्रेड यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। फ्रंट व्हील में होती, बैक में नहीं होती है ना वहां, यस वही ट्रैक्टर में, यहां तक मैंने देखा है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 36, किस टाइप की थ्रेड्स यूज करते हैं, आंसर अलग अलग आ रहे हैं भैया इसके, आंसर अलग अलग आ रहे हैं। हाँ मैट्रिक थ्रेड्स यूज करते हैं अपन इंडिया में, मैट्रिक थ्रेड्स, मैट्रिक थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, केन, केन क्या है ये, ऑटोमोबाइल में केन क्या होता है भैया, ऑटोमोबाइल के हिस्ट्री में केन, ओके राहुल सर, राहुल सर लोटा, ओके इसका आंसर दे रखा है ए है ना, इसका आंसर ए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ले दिया आपका नाम, ले दिया भाई साहब, ले दिया आपका नाम, खुश हो गए आप नाम, नाम लेते ही।
प्रोवाइड द टेस्टिंग सर्टिफिकेट और फ्रेमिंग ऑफ व्हीकल्स रेगुलेशन इन इंडिया। कौन करता है इनमें से? अरे बीएस नहीं करता है, बीएस तो अपने गाड़ी के मानकों को निर्धारित करता है। बीएस तो क्या करता है कि कितना इमिशन होगा उसको बताता है। तो बी ऑप्शन तो नहीं है इसका, बी ऑप्शन तो इसका नहीं है यार। बीएस तो मैंने पढ़ाया था ना, भारत स्टेज, भारत स्टेज तो इसका ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन है एआरआई। एआरआई क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपके पास, एआरआई का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं लिख देता हूं, ओके ओके, मैं ध्यान रखूंगा। मैं करंट जी के 6 महीने पहले की पढ़ जाओ, करंट जी के अगर पढ़ रहे हो तो 6 महीने की पहले की पढ़ जाओ आप, ठीक है। तो यह है ऑटोमेटिव रिसर्च करंट जी के, हाँ 1 साल तक की पढ़ना चाहो तो आप देख लो, 6 महीने की तो पढ़ना। ऐसे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर आपके सी चला जाए। ऑटोमेटिव, ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक लिख सकते। हाँ भैया आपका सही है, आप ही बनोगे इस बार। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्ट अटैक वॉल ट्रेन। डायरेक्ट अटैक वॉल ट्रेन कौन सा पार्ट नहीं है उसका? चलिए देखो, आप लोगों ने बोला कि सर ऑटोमोबाइल के ज्यादा क्वेश्चंस करवा देना, तो मैंने ऑटोमोबाइल के ज्यादा क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऑटोमोबाइल के अपन कर ले, जितना भी क्वेश्चंस अपन को मिल रहा है, ऐसे ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन है भी कम, ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो कम क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आंसर हो सकता है एक दो में ऊपर नीचे हो जाए, अपन उनको देख लेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बाकी बेसिक का क्वेश्चन और आईसीएमसीआई का क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट होता ही। बताइए इसका आंसर दे रखा है। आई होप सो अब एवरीथिंग इज क्लियर है, बताओ जल्दी से। क्लियर है क्या? अब आ गया है ना। चलिए तो 29 में पुश रॉड दे रखा है भैया आंसर, फिर भी अपन देख लेंगे अगर आप कुछ और लगाना चाह रहे हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, अब एक बार देख लो सब, वापस ज्वाइन हो जाओ, रीज्वाइन कर लो एक बार, और अब सही है मेरे ख्याल से। हाँ वेलकम अगेन, वेलकम अगेन, आप सबका वापस स्वागत है। तो एक बार वापस आप चेक कर लो, तो लास्ट तैयारी चल रही है अपनी एमवीएसआई की, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के लास्ट फेज में अपन पहुंच गए, तो बस अब थोड़ा बहुत और है, 7-8-10 दिन के बाद एग्जाम हो जाएगा आपका, फ्री हो जाओगे। चलिए मोस्ट वेलकम सर परमानंद सर, आपका स्वागत है सर। चलिए चलिए इसका आंसर लगाएंगे आप, द पार्ट ऑफ द गियर बॉक्स यूज टू मेज द सर्कमफ्रेंशियल स्पीड ऑफ द पार्ट टू बी कनेक्टेड इन 0.1 टू 0.3 सेकेंड, ठीक है ए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ये अपन ने किया था, ये अपन ने किया था, याद करो कौन सा, क्रूजिंग स्पीड, क्रूजिंग स्पीड अपन ने आईसी इंजन में किया था, मैंने आपको आईसी इंजन करवाया था तो यह आया था, कुछ उसी से रिलेट करो, देखो उसी से रिलेट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, द फंक्शन ऑफ द क्रूज कंट्रोल इन द ऑटोमोबाइल, क्रूजिंग स्पीड पे कब चलाते थे अपन,
जब अपन किसी हाईवे पे गाड़ी को लेके आते हैं तो हाईवे पे गाड़ी को लेके आने के बाद हमें क्रूज मोड पे चला देते थे उसे, और छोड़ दो उसको चला के एक हाईवे पे, अगर वो एक्सप्रेस हाईवे तो डायरेक्ट आपके कहाँ पहुंचोगे, जहां आपको पहुंचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, यस यस सर बी, एक कांस्टेंट स्पीड पे व्हीकल को सेट कर दिया जाता है हाईवे पे, उसे उतार दिया जाता है, वो गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी, एवरेज भी बढ़िया देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, एयर ब्रेक आर यूज टिपिकली फॉर, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, हाँ थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम रहा, कोई बात नहीं है, कांस्टेंट स्पीड, यस यस। क्वेश्चन नंबर 42 स्टार्ट करते हैं अपन, एयर ब्रेक्स आर यूज टिपिकली फॉर द, टिपिकली फॉर द एयर ब्रेक, यस सर ट्रक्स जो सी लगा रहे हैं करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, गियर बॉक्स किस लिए यूज किया जाता है, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स किसके लिए यूज किया जाता है, यस 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 वेरी गुड, गियर बॉक्स इज यूज टू टू प्रोड्यूस द टॉर्क फॉर स्पीड रिडक्शन, टू ऑब्टेन वेरिएबल स्पीड, टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ सिस्टम। अब लास्ट फेज में चल रहे हैं अपन ऑटोमोबाइल के, उसके बाद अपन करेंगे बेसिक के क्वेश्चन, फिर करेंगे आईसी इंजन के क्वेश्चन, बेसिक और आईसी इंजन के क्वेश्चन भी करना है। चलिए टू ऑब्टेन द वेरिएबल स्पीड, सी ऑप्शन, बी भी ऑप्शन सही है इसका, बी भी ऑप्शन इसका सही है, बी और सी दोनों ही ऑप्शन इसके सही है, ठीक है बी भी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, स्टील वाइडली यूज फॉर द मोटर कार क्रेंक शाफ्ट, किस टाइप का स्टील क्रेंक शाफ्ट में यूज किया जाता है, क्रेंक शाफ्ट में किस टाइप का स्टील यूज किया जाता है, एक फैक्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भैया। रिडक्शन भी करता है ना, यस निकल क्रोम जो स्टील है ना, निकल और क्रोम स्टील यूज किया जाता है क्रेंक शाफ्ट में, क्योंकि निकल और निकल का कुछ प्रॉपर्टी होता है, स्टील क्रोम का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है इन दोनों के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे निकल मिलाने से आपकी हार्डनेस बढ़ जाती है, ठीक है और टफनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस और टफनेस निकल मिलाने से बढ़ जाता है, और क्रोमियम मिलाने से उसकी वियर की कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, ये सारा, और क्रोम क्रोम मिला देते ना, क्रोमियम क्रोमियम मिलाने से उस पे कोरोजन भी नहीं आता है, उस पे कोरोजन भी नहीं आता है क्रोम मिलाने से ना, तो ये कुछ रीजन है उसके। चलिए डिफरेंशियल गियर ऑटोमोबाइल में किस लिए यूज किए जाते हैं, 46, सर करंट जीके इंडिया का आएगा या राजस्थान का, भैया सिलेबस देख ले, तेरे काफी डाउट रहते हैं ऐसे, किसका आएगा किसका नहीं आएगा, तूने सारा पढ़ लिया दिखता है भैया ना, तूने सब पढ़ लिया दिखता है। क्वेश्चन नंबर 46,
हमेशा राजस्थान, जब राजस्थान का आप कर रहे हो ना, राजस्थान का एग्जाम है, तो आप ये मान के चलना चाहिए कि राजस्थान से रिलेटेड ज्यादा चीजें पूछे जाएगी। चलिए, यस सर, सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन, हेल्प इन टर्निंग। क्वेश्चन नंबर 47, ये तो कर दिया यार, 47 तो जल्दी से उड़ा दो, 47 तो जल्दी से उड़ा दो दोस्तों। केस्टर एंड केम्बर जो तो दो टर्म है, ये किससे एसोसिएट है? सर सर बोलो, जल्दी से बता दो इसको, तो उड़ा दो इसको तो सर, इसको तो उड़ा दो सर। नेगेटिव मार्किंग है उस पे, मैंने आज क्लास रखी है 9, 9:15 बजे, आज मैंने नेगेटिव मार्किंग पे क्लास रखी है 9:15 बजे। आप अनअकैडमी के ऐप पे आना, ओपन हाउस सेशन ज्वाइन करना। ओपन हाउस सेशन उन्हीं बच्चों के चलेगा जिन बच्चों ने अपडेट कर लिया होगा अपना ऐप को अपडेट कर लो, और वहां देखो एक ओपन हाउस सेशन आएगा, एक वहां मैं आज इस बात पे बात करूंगा कि जो नेगेटिव मार्किंग अपने है ना, अपने नेगेटिव मार्किंग जो एमवीएसआई में है, वो नेगेटिव मार्किंग जो एमवीएसआई में, तो हमें किस किस क्वेश्चन, क्या हम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या हम किस क्वेश्चन को नहीं करें, तो इस पे भी मैं आपके लिए एक छोटा सा आज अपन बात कर लेंगे, और छोटा सा वीडियो भी मैं लेके आऊंगा। तो इसका आंसर तो डी लगा दो, इसका आंसर ओपन हाउस नहीं मिलता। हाँ ये तो मेरे भी थोड़ा सा, मैंने टेक्निकल टीम से बात की है, आज आपका ओपन हाउस का लिंक आ जाएगा ना। 1 मिनट, आपने याद दिलाया, अच्छा तो ये तो आपने कर लिया डी। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा एमवीएसआई के रिगार्डिंग, कि पहला पेपर होगा तो सर हमें किस टाइप से पहले पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। तुक्के मत मारना, तुक्के मत मारना, आप ये ट्राई करना कि हमें कैसे भी करके अप्रोच 250 लेके जाना है। अगर अपन 250 अप्रोच करेंगे ना, अगर अपन 250 अप्रोच करेंगे, तो कहीं ना कहीं 250 के लिए पहले पेपर में कम भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं है, सेकंड में कवर करेंगे। 2-5 नंबर ज्यादा कवर करना हर पेपर में। यार एडमिट कार्ड कब आएंगे? मैं आरपीएम में, आरएसएस में भी बोर्ड का कोई मेंबर नहीं हूं, आएंगे तो सबको पता लग जाएगा भाई, एग्जाम से 7-8 दिन पहले आ जाते हैं, तो 7-8 दिन पहले आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, हेवी व्हीकल में किस टाइप का रियर एक्सल यूज किया जाता है? 1 मिनट में इसमें कर लेता हूं, मैं मंगाता हूं आपके लिए। सात को आएंगे तो भैया, सात को आएंगे तो सात को ले लेना, ठीक है। एक मिनट में वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूं। लिंक में भेज देता हूं आपके पास, देखिए मिल जाता तो। लिंक अभी आ जाएगा आपके पास, आपको लिंक में दिलवा करवा देंगे। 1 मिनट में आपको लिंक शेयर करता हूं। ठीक है, चलिए मैं अभी, लिंक आ जाएगा आपके पास, सबके पास है ना। हाँ तो रियल एक्सेल में, हेवी व्हीकल्स में जो रियल एक्सेल किस टाइप का यूज किया जाता है, देखो कुछ बुक में फुली फ्लोटिंग बता रखा है और कुछ में सेमी फ्लोटिंग बता रखा, तो ज्यादा आंसर फुली फ्लोटिंग पे जाएगा अपना तो। ठीक है, अगला
अगला क्वेश्चन नंबर 50, द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल, द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल। जितेंद्र जी इनको थोड़ा सा समझा दो यार, इनको टेंशन आ रही है एग्जाम की कि ज्यादा हार्ड एग्जाम आ गया तो इनके लिए ही हार्ड आएगा पेपर। भैया हार्ड अगर पेपर आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, सिंपल आएगा तो सबके लिए सिंपल आएगा, मॉडरेट आएगा तो सबके लिए आएगा। एक अकेला पेपर ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग से पेपर डिजाइन करेंगे कि भाई इनके लिए हार्ड बनाओ थोड़ा सा। ठीक है चलिए इसका आंसर लगाओ। अगर आपको कंफर्टेबल व्हीकल में राइड चाहिए तो अनस्प्रिंग वेट इज कीप मिनिमम, ये वाला वेट मिनिमम रखो। ठीक है बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, विच टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम द स्पेस अवेलेबल इन द इंजन कंपार्टमेंट इज मैक्सिमम। किस टाइप के सस्पेंशन सिस्टम में जो स्पेस अवेलेबल होता है इंजन अपार्टमेंट में वो मैक्सिमम होता है। राहुल सर आ गए थे वाई कोटा से और वो एकदम क्वेश्चन है इसका आंसर है बी। ठीक है स्ट्रक टाइप। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, इफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंक्लूड एंगल इज लोकेटेड अबाउट द रोड सरफेस द टेंडेंसी द फ्रंट व्हील विल बी। अच्छे से क्वेश्चन नंबर पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो अपन इस पे थोड़ा सा लगाएंगे ध्यान और इसको करेंगे। अरे अपन को 80 क्वेश्चन करने हैं यार, आधा घंटा और बचा है, जल्दी से आंसर करो। एक आंसर आया अभी तक, दो आंसर आए अभी तक, आंसर करना स्टार्ट करो भैया। यस टो इन सर, टो इन देख लो, टो इन का डायग्राम क्या यही है का? देखो ना ये देखो, टो इन ये अंदर की साइड दोनों, अगर अंदर की साइड व्हील मैक्सिमम व्हील अंदर की साइड कितना आ सकता है टर्न करने पे, जो ये बनेगा इसे टो इन, और बाहर की साइड कितना जा सकता है दैट इज द टो आउट। तो टो इन, तो ये टो इन अपन को दे रखा है तो ए आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर हाउ मेनी डायोड्स इन ऑल आर यूज इन द अल्टरनेटर। चलिए अल्टरनेटर क्या है कि जो बैटरी को, बैटरी से एनर्जी देता है ना अल्टरनेटर, एसएसटी जेई में आया था सर। ओके क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, अल्टरनेटर जो अपन ने पढ़ा था ना अल्टरनेटर के बारे में, अल्टरनेटर एक टाइप का जनरेटर होता है एक टाइप का ना, तो ये बैटरी को क्या करता है चार्ज करता है। तो कितने डायोड होते हैं एनीवन? यस बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, अति उत्तम। यस सर सी आंसर लगा दीजिए, सी आंसर लगा दो। चल क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, इंग्लिश में समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, आप आपको मैं हिंदी की पीडीएफ दे दूंगा, आप हिंदी में समझ लेना है ना। चल Which one of following component is not mounted on the back plate? Back या break या? चलो यस 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 सी आंसर हो गया इसका, इसका बताओ आप, इसका बताओ आप। फिफ्टी थ्री
हाँ ये बेक ही है, बेक प्लेट ही है, मैंने हाँ मैंने कहा बिल्कुल बेक प्लेट ही है, ब्लैक प्लेट ही है। ठीक है, यस सर, डी ऑप्शन, मास्टर सिलेंडर इज नॉट द पार्ट माउंटेड ऑन द बेक प्लेट, मास्टर सिलेंडर नहीं। ठीक है चलिए, वाई रिले इज फिटेड इन द हॉर्न सर्किट, हॉर्न सर्किट जो आप बजाते हो ना, हॉर्न सर्किट उसमें जो रिले फिट किया जाता है वो क्यों किया जाता है, जो हॉर्न सर्किट होता है जहां अपन हॉर्न मारते हैं उसमें एक रिले यूज किया जाता है, वो क्यों यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, कल इससे भी बेहतर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट का लेवल मैं बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है धीरे धीरे टेस्ट के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि टेस्ट टेस्ट का लेवल बढ़ता जाए। करिए करिए आंसर करिए, 15-25 सेकंड देता हूं मैं क्वेश्चन को, आपको 25 सेकंड आपके पास होते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। क्या बात है जितेंद्र जी और संजय जी की काफी बॉन्डिंग है एकदम। टू प्रोटेक्ट द हॉर्न बटन को प्रोटेक्ट करने के रिले लगाया जाता है, एक रिले भी एक क्या इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, सर अलग अलग सब्जेक्ट में पासिंग मार्क लेना लाना जरूरी है क्या? भैया कट ऑफ है ना कॉमन जाएगी, तू ऐसा करना टेक्निकल में 200 में से 198 लेके आना, 198, बाकी में 20-20 नंबर भी लेके आएगा तब भी पास हो जाएगा। चल अलग अलग नहीं चाहिए कट ऑफ है ना। चलिए 55 में डी, 55 में डी, ए वोल्टेज रेगुलेटर ओनली फॉर रेगुलेशन एन अल्टरनेटर हैव अ, एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है इसमें, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 55 है ना, रश्मि करेक्ट कर लेना। रिफ्लेक्टर, अरे जो हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट ऑटो मोबाइल की जो हेडलाइट होती है ना उसका सेप देखो आप एक बार, हेडलाइट का एक बार सेप देखना आप, उस सेप कैसा बनाया जाता है ये पूछा है इसने ना, द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज फॉर द ऑटोमोबाइल हेडलैम्प। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 56, सर पैराबोलिक, जो पैराबोलिक लगा रहे थे, पैराबोलिक से क्या कंस्टेंट, जो कंसेंट जो आपका कंसेंट्रेशन बनेगा ना लाइट्स की रेज का, वो बहुत फोकस बनता है ना। चल हैंड ब्रेक इन कार, जो कार में हैंड ब्रेक यूज किए जाते हैं वो किस टाइप के ब्रेक होते हैं, जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से बता दो दोस्तों, हैंड ब्रेक इन कार यूजुअली, आपकी 5 दिन की और क्लास लगेगी, 5 टेस्ट और लूंगा, मैराथन क्लास आईसी इंजन पे चलेगी, फिर मैराथन क्लास बेसिक पे चलेगी, फिर वापस आपका टेस्ट होंगे 2 मेजर, फिर खत्म कर देंगे। 57 में ए मैकेनिकल ब्रेक, जो हैंड ब्रेक है वो किस टाइप के मैकेनिकल ब्रेक है सर, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, द रियर सस्पेंशन सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर, ये आ गया भैया ट्रैक्टर का क्वेश्चन, ये आ गया भैया ट्रैक्टर का क्वेश्चन, रियर सस्पेंशन सिस्टम ऑफ ए ट्रैक्टर इज,
58। देखिए इसमें है ना, इस वाले क्वेश्चन में है ना, आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च करना, इसमें कॉइल स्प्रिंग भी दे रखा है, ठीक है। अरे बात समझना, ठीक है, इसमें कॉइल स्प्रिंग भी दे रखा था, ठीक है, इसमें नॉट प्रोवाइडेड भी दे रखा था, ठीक है। 58 में दोनों ही ऑप्शन दे रखे थे कहीं ना कहीं, नो प्रोवाइडेड, ठीक है। चलिए है ना, इसको एक बार है ना आप इसको थोड़ा सा बना लेना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है। दोनों इसमें दे रखे थे, कॉइल स्प्रिंग और नॉट प्रोवाइडेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59। अरे थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, क्वेश्चन नंबर 60 करो आप, क्वेश्चन नंबर 60 करो, लास्ट वन। हाँ इसमें थोड़ा सा है, उसमें देख लेंगे अपन, डी आएगा, दोनों ऑप्शन दे रखे थे तो उसमें देखेंगे अपन एक बार, मैं भी उसमें थोड़ा रिसर्च करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द एडजस्टेड वाइल डूइंग द व्हील अलाइनमेंट ऑफ मारुति 800। मारुति 800 का जब व्हील का अलाइनमेंट किया जाता है तो किस चीज को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, किस चीज को अलाइनमेंट किया जाता है, सी। चलिए जी सी, टॉ इन, टॉ इन, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए ये बेसिक का स्टार्ट हो चुका है भैया, बेसिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये बेसिक स्टार्ट हो चुका है भैया, बेसिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। द फ्रिक्शन मूवमेंट इन द क्लच विद अजम्पशन ऑफ वियर थ्योरी, जो आपका फ्रिक्शन मूवमेंट होगा वियर थ्योरी में, एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म प्रेशर यूपीटी से कैसा होगा, कैसा होगा। चलो चलो बताओ, भैया नरेश भाई 150 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तुझे कितने करने हैं उतने करके छोड़ देना है ना, 150 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भैया। वियर थ्योरी में बी आएगा आंसर, वियर थ्योरी में जो मूवमेंट होगा ना वो कम होता है भैया, यूपीटी में ज्यादा मूवमेंट ट्रांसफर होता है, न्यू क्लच है ये न्यू क्लच है, ये ओल्ड क्लच है, ओल्ड क्लच में कम होता है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल रेडियस, क्योंकि फ्रिक्शनल रेडियस यूपीटी और यहां फ्रिक्शनल रेडियस यूडब्ल्यूटी, तो फ्रिक्शनल रेडियस नए क्लच की ज्यादा होती है, तो ज्यादा टॉर्क नया क्लच करेगा तो यूनिफॉर्म प्रेशर ज्यादा करेगा और यूनिफॉर्म वियर कम करेगा, तो आंसर जाएगा बी। क्लियर है, ये मोर मोर मत लगाओ, कम कम लगाओ, लेस लेस लगाओ, ओके। चलो जी क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, वीडियो को लाइक तो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एक बार, लाइक करो वीडियो। क्या
क्या लगा रहे हो इसका, इसका आंसर क्या लगा रहे हो? मैक्सिमम हॉर्स पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करनी है तो सर एक ही चीज पड़ी थी, टी मैक्सिमम इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टीसी, तो टी मैक्सिमम डिवाइड बाय 3 टीसी, तो 1/3 का मतलब हो गया 33%, 33% आंसर जाएगा सी। अरे ए मत लगाओ रे, मैंने पूरा समझाया तुम्हें क्लास में। जिन्होंने भी मेरी बेसिक की क्लास नहीं ली है वो सब बेसिक की क्लास ले लो एक बार, बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके से सारी चीजें समझाई है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63। यस साहिद, साहिद इज ऑलरेडी सिलेक्टेड आई थिंक सो, जो मैं समझ पा रहा हूँ साहिद को, तो मेरे ख्याल से साहिद ऑलरेडी सिलेक्टेड है जेईन में, अगर वही साहिद हुआ तो, बाकी तो मुझे इतना आइडिया नहीं। ओके है ना। इन वॉल्यूट गियर में जो बेस सर्कल होता है, तो बेस सर्कल के ऊपर आप इन वॉल्यूट प्रोफाइल बनाते हो, उसके ऊपर ये होता है आपका पिच सर्कल, ये होता है आपका पिच सर्कल, तो बेस सर्कल जो होता है वो पिच सर्कल के अंडर होता है, तो इसका आंसर चला जाएगा आपके पास तीसरा वाला। तो यहां थोड़ा सा एबीसीडी में गलती है, आप ये आंसर जिन्होंने लगाया वो करेक्ट है, अंडर पिच सर्कल, अंडर पिच सर्कल। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, पार्ट ऑफ टूथ बिटवीन पिस सर्कल, याद करो ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें डिटेल में पढ़ाई है। चलो मैंने ऑटोमोबाइल तुम्हें नहीं पढ़ाया, ऑटोमोबाइल मैंने तुम्हें नहीं कराया, पर ये सारी चीजें तो मैंने कराई है, आईसी इंजन और बेसिक, आईसी इंजन और बेसिक तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से कराया था। ये तुम्हारा पिच सर्कल और ये तुम्हारा डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम यानी सर नीचे वाला, और बॉटम पे जाओगे तो ये सर डिडेंडम, ठीक है। तो इनके बीच का जो ये पोर्शन है इसे क्या बोला जाता था? फ्लैंक सर, इसे बोला जाता था फ्लैंक। और सर पिच सर्कल और अडेंडम, अडेंडम मतलब ऊपर से पास होने वाला अडेंडम, तो ये वाला अपन ने बोला था कि ये बोला जाता है सर फेस, तो ये आंसर जाएगा बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ बताना है टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस आपको अवॉइड करना है, तो रेक एंड पिनियन कॉम्बिनेशन में मैंने एक फॉर्मूला बताया था टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस अवॉइड करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ बताएंगे आप? बताओ बताओ आंसर बताओ। अरे आंसर ही नहीं लगा रहे हो रे तुम, इतना कुछ पढ़ाया, इतनी बार प्रैक्टिस कराई तुम्हारी, सबकी इतनी बार प्रैक्टिस कराई, आंसर नहीं आएंगे तो कैसे काम चले सर? टू अपॉन, मैंने नहीं बताया था, टू ए आर अपॉन साइन स्क्वायर फाई, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, कहा था ए आर नहीं देते, ए आर नहीं दे वन ले लो, ए आर इज द फ्रैक्शन ऑफ अडेंडम, ए आर इज द फ्रैक्शन ऑफ अडेंडम, मैंने कहा वन ले लेना, नहीं दे तो बी आंसर, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, ऐसी कौन सी प्रोफाइल है गियर की जिसमें अगर सेंटर डिस्टेंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा तो मेटिंग गियर के जो वेलोसिटी रेशियो है वो चेंज नहीं होंगे, इतने अफेक्ट नहीं करेंगे? वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना दोस्तों, सबके लिए बहुत यूजफुल क्वेश्चंस है ये सारे, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं अपन कर रहे हैं। यस सर, इन वॉल्यूट प्रोफाइल में सर अगर सेंटर डिस्टेंस थोड़ा बदल भी जाएगा ना हल्का फुल्का,
सर सेंटर डिस्टेंस अगर बदल भी जाएगा हल्का फुल्का तो सर सेंटर डिस्टेंस से इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा वेलोसिटी रेशियो में। जबकि सर अगर अपन साइक्लोइडल प्रोफाइल यूज करेंगे या अगर अपन साइक्लोइड प्रोफाइल यूज करेंगे तो अपन ने पढ़ा था कि साइक्लोइड प्रोफाइल बेसिकली बेस सर्कल पे ही बना हो सॉरी पिच सर्कल पे ही बनाया जाता है और सेंटर डिस्टेंस नहीं कर सकते वहां पे। अलाइनमेंट अगर बिगड़ जाएगा तो काम नहीं होगा। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, साइक्लोइडल टीथ में इंटरफेरेंस कितना होता है? साइकल टीथ में जो इंटरफेरेंस होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? किस बात पे डिपेंड करता है? सर होता ही नहीं है सर साइक्लोइड टीथ की। यही तो खूबसूरती है सर। सर आपने यही तो बताया था कि साइक्लोइड टीथ की खूबसूरती यही है कि वहां पे जो आपका टीथ बनेगा वहां टीथ जो बनेगा ऊपर का प्रोफाइल और नीचे का प्रोफाइल दोनों इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि कंप्लीटली एब्सेंट हो जाता है इंटरफेरेंस। एपीसाइक्लिड और हाइपोसाइक्लाइड साइक्लोइडल ठीक है बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, क्राउनिंग क्राउनिंग ऑन द पुली पुली पे जो क्राउनिंग होगी वो किस बात को हेल्प करेगी सर? बताइए। यस क्राउनिंग बेसिकली अपन इसलिए करते हैं कि ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट बना रहे हैं बेल्ट पोजीशन का और बेल्ट सेंट्रली बी भी सही है और सी भी सही है। मोस्ट एक्यूरेट सी है। बी और सी बी भी सही है सी भी सही है ना। चल क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69। अरे सब जानते हैं बच्चे बच्चे ये मैंने क्लास में पढ़ाया बहुत अच्छे से। जो आपके पास जॉकी पुली होती है जॉकी भी बोलते हैं ना इसको जॉकी इसको जॉकी भी बोलते हैं ना। यस सर डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, ये तो बता दो। द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द थ्रेड जब अपन एक सिलेंडर से जब हम एक सिलेंडर से एक वायर की थ्रेड्स को अनवाउंड करते हैं मतलब उसे बाहर निकालते हैं अनवाउंड करते हैं तो कौन सी प्रोफाइल बनती है? कौन सी प्रोफाइल बनती है गियर की? ठीक है कौन सी प्रोफाइल बनेगी सर? उसमें इनवॉल्यूट प्रोफाइल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71। अब आप सब ऐप को खोल लें और एक बात ऐप को सबने अगर रिफ्रेश कर लिया अपडेट कर लिया तो आप देखो एक ओपन हाउस का सेशन आ रहा होगा। बताइए भैया क्या आंसर होगा? टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन रोटेटिंग शाफ्ट टू
another whose axes are neither parallel nor intersecting to transmit power from one rotating shaft to another whose axes are neither parallel nor intersecting, कौन सा गियर यूज करेंगे? सर इस पर गियर नहीं करेंगे, इस पर गियर तो सर दो पैरेलल शाफ्ट को करने के लिए करते हैं सर, स्पाइरल और बीवर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए करते हैं। और सब आपने बताया था कि वॉर्म गियर, हाइपोइड गियर, वॉर्म गियर हो गया, हाइपोइड गियर हो गया, ये ऐसी शाफ्ट को ऐसी शाफ्ट में पावर ट्रांसमिटिंग के लिए यूज करते हैं जो ना तो पैरेलल होती है ना इंटरसेक्टिंग होती है। तो आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। ओके अब एक बात मुझे बताओ, आप सब ऐप ओपन कर लो, ऐप को ओपन कर लो सब। अब सबके सब अपने अनअकैडमी ऐप को ओपन करो, वहां एक आ रहा होगा ओपन हाउस का ऑप्शन। आज मैं आपको उस ओपन हाउस के सेशन में ये बताऊंगा कि पेपर को आप जब भी अटेम करेंगे MVSI के पेपर को, तो किस बात का ध्यान रखेंगे नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। यस स्क्यू बीवेल, स्क्यू यस स्क्यू शाफ्ट अपन उसे बोलते थे, दिस शाफ्ट आर कॉल्ड एज स्क्यू शाफ्ट। ठीक है चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, आ गया ना। चलो अब एक ऐसा करो अब यहां से तो मैं लीव आउट कर रहा हूं, वहां मिलूंगा आपको, कल कराऊंगा। अब बाकी क्वेश्चन कल आपके पास 90 क्वेश्चंस करने का टारगेट लेके चलेंगे, कल 90 क्वेश्चंस करने का टारगेट करेंगे। पहले तो मुझे बताओ आज टॉपर कौन है, आज का टॉपर कौन है पहले तो ये बताओ, आज का टॉपर कौन है? आप सभी अपने, अगर आपके पास एंड्रॉइड है, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो ये ऑप्शन आपके मोबाइल में दिखेगा। आप अनअकैडमी ऐप को खोलेंगे, ऐप को खोलेंगे तो एक ओपन हाउस करके आ रहा होगा, ओपन हाउस। एंड्रॉइड तो आज के टॉपर बताओ मुझे, थैंक यू सो मच। आज के टॉपर के नंबर जानना चाहता हूं। आज अपन ने 70 क्वेश्चंस किए, 70 क्वेश्चन में थे कितने सही है, 70 क्वेश्चन में से नहीं आ रहा है। ओके एक बार अपडेट कर लो, जिनका नहीं आ रहा है मैं वेट करूंगा। लिंक एक मिनट, लिंक का ऑप्शन देखता हूं। दस गलत हो गए, 65, वेरी गुड आनंद, आ गया। ज्वाइन करो आज उसको, 57, 54, वेरी गुड। संजय जी आपका बेसिक थोड़ा सा ना, बेसिक में थोड़े से देख लो एक बार, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो संजय जी, आपके 60 नंबर आराम से आ जाएंगे। 54 सही है। आपको सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए आप। कहां से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, उस पे आप कैटेगरी में डाल दो एसएससी जेई और स्टेट एई कैटेगरी डाल दो, वहां मिलेगा। लिंक तो मेरे पास, मैं लिंक शेयर करता, पर लिंक मेरे पास भी नहीं आ रहा है, मैंने टेक्निकल टीम को बोला भी है, चलिए उसमें देख लेंगे। चलिए यहां से मैं लीव कर रहा हूं, मिलता हूं फिर आपको कल।